पेड़ के पेड़ उखड़े जा रहे भाई साहब। ये देखिए खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है यमुना नहर। इतना जबरदस्त रूप यमुना का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओ माय गॉड, ये देखिए पेड़ के पेड़ बह आ रहे हैं। चलिए आपको इस तरफ से भी दिखा देते हैं क्या हालत, क्या तांडव मचाया है यमुना ने। अब इस तरफ से भी दिखा देते हैं, ये जा रहे पेड़ के पेड़ पे। अरे वाह, ये देखिए पूरे पेड़ के पेड़ पे जा रहे भाई साहब। पानी पानी हो रहा है चारों ओर, पानी पानी। यमुना पूरे खतरनाक स्थल पे अपने तहलका मचा दिया। कितने पेड़ टूट टूट का आ रहे, देखिए ये पेड़ ही पेड़। भाई साहब दिल्ली वाले भी इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो अब फिर दोबारा से पानी और ज़्यादा बढ़ने लगा है और अपना पूरा विकराल रूप धारण कर लिया है पानी ने। अगर यही हालत रही तो कहीं दिल्ली डूब ना जाए क्योंकि यमुना का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है या तो पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश हो रही है या हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। ये देख सकते हो आप, हालत ख़राब कर रखी है। इस वक्त मैं यमुना के ब्रिज पर हूँ और यहाँ पर जो है ना खतरे के निशान से भी ऊपर पानी बह रहा है। आप देखकर समझ सकते हो ये सामने ट्रेन वाला ब्रिज बना रखा है और उससे कुछ ही दूरी पर ये पानी टक्कर मार रहा है। ये देख सकते हो आप, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और दमदार धमाकेदार और मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त है हम यमुना के ब्रिज पर और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर ही यमुना नहर बह रही है और इस वक्त यमुना नहर अपने पूरे उफान पे है। चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है। यमुना का ऐसा रुद्र रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर पानी पानी है। जितने भी आसपास के खेत खलिहान हैं सब पानी पानी हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे बाद इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है और बारिश इतनी ज़्यादा होने की वजह से यमुना नदी पूरे उफान पर है। पूरा तांडव मचा रखा है यमुना नदी ने और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर ये पानी पानी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों चारों ओर पानी पानी हो रहा है। जहाँ जहाँ तक की आपकी नज़र जा रही है पानी पानी हो रहा है। ऐसा रुद्र रूप आपने यमुना का पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इस बार जो है ना बारिश हद से ज़्यादा हो गई है और चारों ओर पानी पानी हो रहा है। खतरे के निशान से भी ऊपर जा रहा है यमुना का पानी। जो आसपास के खेत खलिहान हैं वो सब पानी पानी हो चुके हैं। कहीं पर खेत नहीं दिखाई देता, बस पानी ही दिखाई देता है। ये देखिए जहाँ जहाँ तक की आपकी नज़र जाएगी पानी पानी दिखाई देगा। पानी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगता है ऊपर पहाड़ों पर और ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए मैं यमुना के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर ये पानी नहीं आ रहा है और वहाँ से मैं आपको इसकी फुटेज दिखा रहा हूँ। कितना ज़बरदस्त पानी की लहरें हैं। आप पानी की लहरें देखकर समझ सकते हो कि पानी कितने उफान पे है। ऐसा रुद्र रूप आपने यमुना का पहले कभी नहीं देखा होगा। जहाँ जहाँ तक कि आपकी नज़र जा रही है पानी पानी दिखाई दे रहा है और पेड़ भी टूट टूट कर आ रहे हैं। कितना मोटा पेड़ है भाई साहब, ये जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कैमरे में जाए नाग हो, लेकिन ये पेड़ है और बहुत मोटा पेड़ है भाई साहब। यही हालत रही ना तो कहीं दिल्ली डूब ना जाए क्योंकि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो कितना विकराल रूप ले रखा है पानी ने और ये पानी जो है ना ये कहता है दिल्ली होकर जाता है और दिल्ली में जो है ना पानी ने तहलका मचा रखा है, हालत ख़राब कर रखी है। दिल्ली वालों का भी यही आरोप है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाता है वो
दिल्ली क्यों छोड़ा गया है, सहारनपुर यूपी के लिए भी छोड़ा जा सकता था। और ये देख सकते हो यहाँ पर जो है ना, ये यमुना का पानी भी दिल्ली होकर गुजरता है। जो यमुना है, ये जो दिल्ली में यमुना है, वो यहाँ से होकर गुजरती है। और इतना ज़बरदस्त विकराल रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पानी पानी दिखाई देगा। ये पानी सारा दिल्ली को होकर जाता है। ये देख सकते हो आप, कितना खतरनाक भाई साहब, देख के ही दिल दहल जाएगा। पानी जहाँ को भी जाता है हालत ख़राब कर देता है, जो भी इसके सामने आता है, जो भी चीज़, बड़े बड़े पत्थर तक भी ये अपने साथ बहा कर ले कर चला जाता है, और छोटी मोटी चीज़ों को तो बखसता ही नहीं। ये देखिए, दिल्ली में इसलिए हालत ख़राब है क्योंकि ये यमुना का पानी कम होने का नाम ही ले रहा है। पानी बढ़ता ही जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कहीं दिल्ली डूब ना जाए। और ऐसी स्थिति में जो ये यमुना के आसपास के जो गांव हैं, कहीं वो डूब ना जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूँ यूपी की सीमा में, और पुल के उस तरफ हरियाणा है, इस तरफ यूपी है, और बीच में यमुना बह रही है, जो जिसका पानी दिल्ली जा रहा है, और पानी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यदि यही हालात रही तो कहीं दिल्ली डूब ना जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पानी पूरे उफान पे है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ किस वक्त साथ छोड़ दे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।